इंसान का इंसान से हो भाईचारा। दोस्तों आज हम एक ऐसे गीतकार के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं जिनके एक पुकार पर देश के नौजवान भारत की स्वाधीनता के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देने को तैयार रहते थे। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा। उनकी आवाज से अंग्रेजी हुकूमत भी थर्राती थी और उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहती थी। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। बाद के वर्षों में उन्होंने जो गीत लिखे उन्हें सुनकर देश के प्रधानमंत्री तक रो पड़े थे। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो। और देशवासी आज भी उन गीतों को सुनकर द्रवित हो जाते हैं। वैसे तो उन्होंने सैकड़ों गीत लिखे और 50 साल से भी पहले लिखे उनके गीतों और भजनों के बिना आज भी कोई राष्ट्रीय पर्व पूरा नहीं होता। इस गीतकार को अपने गानों की रॉयल्टी शहीदों की विधवाओं को दिलाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा था। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। कौन थे वो महान कवि जिन्होंने साहित्य और संगीत के जरिए देशवासियों में सद्भावना और देश प्रेम की अलख जगाई। चलो चलो माँ, सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं। कभी प्रदीप का खुद भी उनकी माँ से गहरा लगाव था, लेकिन दोस्तों अचानक से उनकी जिंदगी में एक घटना घटी और वो घटना थी उनके माता पिता की हत्या। चलो चलो माँ, सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं। विवाह से पूर्व प्रदीप जी ने अपनी भावी पत्नी से एक प्रश्न पूछा था, मैं आग हूँ क्या तुम मेरे साथ रह सकोगी। जानेंगे पूरा किस्सा तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। चाहे कोई राष्ट्रीय पर्व हो या धार्मिक उत्सव, इन गीतकार के गीतों की धूम हर जगह आज भी वैसे ही मचती है जैसे दशकों पहले मचती थी। ये गीत है कवि प्रदीप के, जिन्होंने अपने गीतों से न सिर्फ स्वाधीनता आंदोलन में जोश भरा बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देशवासियों को देश प्रेम और नैतिकता का संदेश दिया। इंसान का इंसान से हो भाईचारा। अगर हम बात करें उनकी फिल्मी सफर की तो बात उन दिनों की है जब प्रदीप जी मुंबई पहली बार आए, और वो कैसे आए जानते हैं इस वाक्य के जरिए। दोस्तों प्रदीप जी के एक पड़ोसी के लड़के की तबीयत खराब थी जो मुंबई में रहते थे। उनके साथ वो लड़के को देखने मुंबई गए तो मलाड के एक मोहल्ले में उन्होंने कविता पाठ किया। अगली सुबह बॉम्बे टॉकीज के मैनेजर की कार उनके दरवाजे पर खड़ी थी। उन्हें देविका रानी के सामने ले जाया गया, और दोस्तों देविका रानी उस समय बॉलीवुड की सबसे बड़ी हस्ती मानी जाती थी। उन्होंने युवा प्रदीप के सामने कलम कागज रखकर कहा, तालाब के पानी में अपना पैर डालकर बैठी हुई एक लड़की अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। फिर क्या था, प्रदीप जी ने तुरंत लिख दिया, हवा तुम धीरे बहो, मेरे आते होंगे चिच्चोर। दोस्तों यहीं से फिल्म जगत को एक सशक्त कलम मिल गई। देविका रानी ने अपनी फिल्म कंपनी बम्बई टॉकीज के बैनर तले बन रही फिल्म कंगन में प्रदीप जी से चार गीत लिखवाए। लेकिन जब क्रेडिट रोल में उनका नाम लिखने की बारी आई तो मामला उलझ गया। दरअसल उपनाम के साथ उनका नाम बनता था पंडित रामचंद्र नारायण द्विवेदी प्रदीप। नामकरण करने में माहिर देविका रानी ने कहा, इतना लंबा नाम नहीं चलेगा, सिर्फ प्रदीप काफी है। इसके बाद लोग उन्हें पंडित प्रदीप या कभी प्रदीप कहकर बुलाने लगे। प्रदीप जी की गायकी भी असरदार थी। देविका रानी ने पहली फिल्म में ही उनकी आवाज में एक गीत रिकॉर्ड किया। बाद के वर्षों में HMV ने उनकी आवाज में गैर फिल्मी गीतों का एक एल्बम भी जारी किया। दोस्तों सन 1940 में स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था। कवि प्रदीप अपनी कविताओं से देशवासियों में जागृति पैदा कर रहे थे। फिल्म बंधन में उनके द्वारा लिखे गीत चल चल रे नौजवान, इस गीत ने
आजादी के दीवानों में नया जोश भरने का काम किया। क्रांतिकारियों के लिए यह गीत तो एक तरह से एंथम बन गया था और प्रभात फेरियों में यही गीत गाया जाने लगा था। इस गीत ने भारतीय जनमानस पर मानो जादू सा कर दिया था। सिंध और पंजाब की तत्कालीन विधानसभा ने इस गीत को राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी और इसे विधानसभा में गाया जाने लगा। दोस्तों, बलराज साहनी ने इस गीत को लंदन बीबीसी से प्रसारित कर दिया था। ये गीत सन 1946 में नासिक विद्रोह के समय सैनिकों का अभियान गीत बन गया था। उसी दौर में कवि प्रदीप का एक और गीत अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन रहा था, जो सन 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत का गाना आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। कवि प्रदीप का ये गीत अंग्रेजी सरकार पर सीधा प्रहार था। दोस्तों, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा। अंग्रेजी सरकार ने कवि प्रदीप की गिरफ्तारी का वारंट निकाला तो वह मजबूरन भूमिगत हो गए। सन 1947 में देश आजाद हुआ तो कवि प्रदीप देशभक्ति कविताएं लिखने में जुट गए। वर्ष 1954 में प्रदीप का फिल्म नास्तिक का गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। इस गीत से उनकी प्रसिद्धि में चार चांद लग गए। इसी फिल्म का एक और गीत अरे पत्थर के भगवान। तू है कहां, तेरी दुनिया में लग जाएगा। ये गीत भी बेहद चर्चित हुआ। दोस्तों, एक दिन निर्देशक सत्येन बोस से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कवि प्रदीप से गांधी जयंती पर एक गीत लिखने को कहा। कवि ने लिखा, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। 1955 में आई फिल्म जागृति में इस गीत ने लोकप्रियता का कीर्तिमान रच दिया। इस फिल्म को उस साल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। इस दौर में इस फिल्म के कई और गीत बेहद लोकप्रिय हुए, जिसमें से एक था आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। हालांकि यह फिल्म गांधीवादी विचारों पर बना था। दूसरा गीत था हमलाएं हैं तूफान से कश्ती निकाल कर। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एक और गीत जो लोगों के दिल को छू गया था, चलो चलो सपनों के गांव में कांटों से दूर कहीं। वो था माँ के प्रति बेटे के मासूम प्यार से भरा गाना। कवि प्रदीप का खुद भी उनकी माँ से गहरा लगाव था। लेकिन दोस्तों, अचानक से उनकी जिंदगी में एक घटना घटी और वो घटना थी उनके माता पिता की हत्या। कुछ लुटेरों ने उनकी माता पिता की हत्या कर दी थी और इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और लंबे समय तक इस सदमे में रहे थे। चलो चलो माँ सपनों के गांव में कांटों से दूर कहीं। 1955 में आई फिल्म वामन अवतार में उन्होंने जो भजन लिखे थे वो आज भी दोस्तों हर घर में गाए जाते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। उनकी फिल्मी यात्रा की बात करें दोस्तों, तो उनकी फिल्म यात्रा लंबी है और हमेशा राष्ट्र समाज या ईश्वर को समर्पित रही है। उन्होंने अपने गीतों के जरिए उस वक्त हिंदी की पहचान स्थापित की। दोस्तों, जब इंडस्ट्री में उर्दू और फारसी का बोलबाला था उस समय उन्होंने अपने गीतों के जरिए उस वक्त हिंदी की पहचान स्थापित की। उनके गीतों में मानवता के प्रति संदेश छिपे होते थे। 1959 में उन्होंने फिल्म पैगाम के लिए जो गीत लिखा वो आज भी कई राजनेताओं की सार्वजनिक सभाओं में गाया जाता है। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। दोस्तों, सन 1962 में कवि प्रदीप ने वो कालजयी गीत लिखा जिसे सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। वो गीत था ऐ मेरे वतन के लोगों। इस गीत को कवि प्रदीप ने 1962 के भारत चीन के युद्ध में शहीद सैनिकों के लिए लिखा था। भारत चीन युद्ध के बाद शहीदों के परिवारों के सहायतार्थ दिल्ली में 26 जनवरी 1963 को एक संगीत संध्या का आयोजन हुआ। सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों इस गीत को गाया।
इस गीत को सुनकर पंडित नेहरू रो पड़े। दोस्तों, नेहरू जी बहुत संवेदनशील इंसान थे और इस गीत को सुनकर उन्होंने इस दर्द को महसूस किया। लता मंगेशकर की आवाज की करुणा उनको भिगो गई और वह रो पड़े। उस समय सी रामचंद्र और लता जी में किन्हीं कारणों से बातचीत बंद थी। प्रदीप जी के अनुरोध पर लता जी ने यह गीत गाना स्वीकार कर लिया। दोस्तों, गीत संगीत और सुर के बेहतरीन संगम ने एक इतिहास रच दिया। और दोस्तों, आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस खास मौके पर कवि प्रदीप को आमंत्रित तक नहीं किया गया था। हालांकि तब मीडिया में इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना हुई थी। इस कार्यक्रम में करीब 6 महीने बाद पंडित नेहरू की मुलाकात एक कार्यक्रम में कवि प्रदीप से हुई और उन्होंने कवि प्रदीप को बुलाया, प्यार से उनका हाथ थाम कर बोले, प्रदीप जी, मैं वह गीत आपकी आवाज में सुनना चाहता हूँ। प्रदीप जी ने वह गीत सुनाया। दोस्तों, इस गीत को खरीदने के लिए फिल्म जगत के कई बड़े फिल्मकारों ने कवि प्रदीप से संपर्क किया और मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। कवि प्रदीप ने कहा, मैं उस गीत को नहीं बेच सकता जिसके चारों तरफ प्रधानमंत्री के आंसुओं की झालर लगी हुई है। उन्होंने इस गीत को HMV म्यूजिक कंपनी को इस करार के साथ सौंप दिया कि इससे प्राप्त धनराशि युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवार को दी जाएगी। म्यूजिक कंपनी की ओर से कब कितनी धनराशि शहीदों के परिवार को मिली, इसका जवाब पाने के लिए प्रदीप जी की बेटी मितुल प्रदीप ने लंबी लड़ाई लड़ी। अंततः ये मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचा दोस्तों, जहां अदालत ने 25 अगस्त 2005 को संगीत कंपनी HMV को युद्ध विधवा कोष में 10 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया। वैसे तो कवि प्रदीप का पारिवारिक जीवन सुखमय था। उनका विवाह मुंबई निवासी गुजराती ब्राह्मण चुन्नीलाल भट्ट की पुत्री सुभद्रा बेन से 1942 में हुआ था। विवाह से पूर्व प्रदीप जी ने अपनी भावी पत्नी से एक प्रश्न पूछा था, मैं आग हूँ, क्या तुम मेरे साथ रह सकोगी? सुभद्रा बेन ने ठीक उसी अंदाज में जवाब दिया, जी हाँ, मैं पानी बनकर रहूंगी। इसका निर्वाह उन्होंने जीवन भर किया। 1950 में विले पार्ले में 700 गज का फ्लैट खरीदकर 70,000 रुपये में उन्होंने शानदार बंगला बनाया। यह बंगला साहित्यकारों और मित्रों के स्वागत के लिए सदैव खुला रहता था। साहित्यकार अमृतलाल नागर 6 महीनों तक इस बंगले में रहे थे। प्रदीप दंपति 2 पुत्रियों सरगम और मितुल के अभिभाविक बने। 1969 में जब वो संबंध फिल्म के गाने लिख रहे थे, तभी उनके माता पिता की हत्या हो गई थी। कहा जाता है कि तब उन्होंने जितने भी गाने लिखे उनमें एक अकेलापन झलकता था। कवि प्रदीप ने अपने जीवन में 2 दर्जन से भी अधिक फिल्मों में सैकड़ों गाने लिखे, जिनमें देशभक्ति गीत सहित धार्मिक गीत भी लिखे। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। सस्ते और द्विअर्थी गीतों से उन्हें नफरत थी। संभवतः यही कारण रहा है कि 80 के दशक के अंत तक उन्होंने गीत लिखने बंद कर दिए थे। दोस्तों, इतने वर्षों में उनके हिस्से में मात्र एक सम्मान आया और वो था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों, अपने गीतों से फिल्म जगत का मान सम्मान बढ़ाने वाले कवि प्रदीप ने 11 दिसंबर 1998 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके गीत और उनकी कविताएं हमें वर्षों तक प्रेरणा देती रहेंगी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा। आइए डालते इन महान गीतकार के जीवन। कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश में उज्जैन के छोटे से कस्बे बड़नगर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। अपनी शुरुआती पढ़ाई इंदौर और रतलाम से की। इसके बाद वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन से ही हिंदी काव्य लेखन और हिंदी काव्य वाचन में उनकी विशेष रुचि थी। कवि सम्मेलनों में वो खूब दाद बटोरा करते थे, जहां उन्होंने अपना उपनाम प्रदीप रख लिया। उनकी कविताओं को खूब वाहवाही मिलती थी। उन्हीं दिनों इलाहाबाद में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस गोष्ठी की अध्यक्षता राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी और गोष्ठी में महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, रमाशंकर शुक्ल रसाल, पद्मकांत सरीहे दिग्गज रचनाकारों ने काव्य पाठ किया। इसी गोष्ठी में 20 वर्षीय तरुण कवि प्रदीप ने अपने सुरीले काव्य पाठ से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
उस दिन हिंदी जगत को एक नया सितारा मिला। कमाल तो तब हुआ जब लखनऊ से प्रकाशित पत्रिका माधुरी के फरवरी 1938 के अंक में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कवि प्रदीप पर लेख लिखकर उनकी काव्य प्रतिभा पर मुहर लगा दी। हालांकि 1939 में उन्होंने लखनऊ में अध्यापन के लिए कोर्स किया और अध्यापक भी बन गए, लेकिन कविता तो उनकी सांसों में बसी थी और वो नौकरी छोड़कर कविता में लीन हो गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। यदि आप कवि प्रदीप के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं।